सगळ्यांना जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। सभी लोगों को जागतिक पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आसिफ भामला फाउंडेशन ना, अपना भामला फाउंडेशन को तो सब जानते हो, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही काम करते हैं, पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए ट्री प्लांटेशन से लेके बीच क्लीनिंग तक। जैसे हमारी सरकार भी आज, जैसे हम लोग देखते हैं कि बेमौसम बरसात होती है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सभी जो हमारे सामने कठिनाइयां है और इसको दूर करने के लिए टिक टिक प्लास्टिक, ये जो कैंपेन है, ये हम सब लोगों ने इन्वॉल्व होकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी एक का काम नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का काम है। क्योंकि एक प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरी तरह से नष्ट हो, ये मेल्ट नहीं होता है, ये समुद्र में जाता है, मछलियां खाते हैं, ये जब हमारे जानवर खाते हैं, नाले चौकअप होते हैं, समुद्र में सब जगह प्लास्टिक ही दिखता है, इसके वजह से कैंसर होता है, ये सब बीमारियां जो है, इसे हमें दूर करना है तो निश्चित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना चाहिए। सरकार तो आप पूरी तरह सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन साथ में जब हम सब मिलकर, जैसे सेलिब्रिटी यहाँ पर है, आप जैसे बोलते हो वैसे बाकी लोग भी करते हैं, बराबर ना, तो एक सरकार का अकेले का काम यह नहीं है, हमारा सबका है। और बड़े पैमाने पर सरकार भी मैंग्रोव पार्क कर रही है, ट्री प्लांटेशन कर रही है, अर्बन फॉरेस्ट कर रही है। आपको इतना ही मैं कहूंगा, जो डेवलपमेंट आज मुंबई में हो रहा है, मेट्रो का काम है, ये कार्बन एमिशन कम करने के लिए हमारी कोशिश है। आज हम देखते हैं MTHL शिवडी नावाशेवा ट्रांस हार्बर लिंक, जो सिंगल लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का जो सी ब्रिज हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी वो भी प्रो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है, पर्यावरण पूरक, क्योंकि वहां फ्लेमिंगो बड़े पैमाने में थे। जब मैं वहां पर गया तो वहां फ्लेमिंगो दिखाई पड़े मुझे, तो मैंने हमारे कमिश्नर से कहा कि भैया ये फ्लेमिंगो यहां से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी लाओ कि वहां पर फ्लेमिंगो कम ना हो। आपको मैं बताने यही पूरे आश्वासन के साथ बताऊंगा और विश्वास के साथ बताऊंगा कि वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया, जो आज तक कभी किसी इसमें प्रोजेक्ट में नहीं किया था। और आज जाकर आप देखेंगे तो जितने फ्लेमिंगो पहले थे उससे दुगना हो गए हैं, फ्लेमिंगो पार्क वहां पर बन गया है, बड़ा है। और हकीकत है, आप कभी भी जाके देख सकते हो। और ऐसे कई प्रोजेक्ट है, समृद्धि, अभी मैं मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा प्रोजेक्ट की बात थोड़ा करूं तो चलेगा ना, जैसे नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस जो हाईवे किया, उसके दोनों तरफ में 33 लाख पेड़ हम लगा रहे, ट्री प्लांटेशन 33 लाख, और वहां पर 250 मेगावाट सोलर एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए जरूरी है। इसलिए विकास तो करना है, डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन उसके साथ हमारा एनवायरमेंट भी संभालना है। और मैं सिर्फ सरकार की बात करूं तो आपको लगेगा क्या सरकार, लेकिन भामला फाउंडेशन जो आज काम कर रहा है, ये बहुत ही बेहद काम उनका शुरू है, 25 साल हो गए और एक रिवॉल्यूशन उन्होंने इस सेक्टर में लाने का कोशिश किया है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपको बख्शीश भी दिया है, आपका उल्लेख किया है, आपकी सराहना की है, और इसलिए
मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो भी सहयोग की आवश्यकता है, निश्चित रूप से ये सहयोग सरकार की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़े संकट है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ा राक्षस है ना, डेविल है। हाँ, बिल्कुल, उसको बहुत खत्म करना है। और इसमें कई लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं यहाँ पर आसिफ बामला जी का भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बोनी कपूर जी है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारे गायक शान है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और नीति मोहन जी है, आपका भी मैं स्वागत करूंगा। हमारे और एमपी है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, हमारे एमएलए प्रताप सरनाईक है, ये कौंसिल जनरल इजराइल मेरे दोस्त है, वो ही इज माय फ्रेंड। और उदयपुर के महाराज जी भी आए हैं, अभी थाना में मेरी मुलाकात हुई, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हो, आशीर्वाद दे। और सर, जैसा आप काम कर रहे हैं, हम छोटे एनजीओ को आपका भरोसा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, ताकि हम ये काम करें। शहर बामला और हमारी पूरी टीम मिलकर के मैंग्रोव को लेकर के, आप पता है कि कोस्टल रोड के बाद भी सस्टेनेबल और एनवायरमेंट को जो आपने हैंड टू हैंड किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके पर्यावरण को काम के लिए हमेशा खड़े। थैंक यू एकनाथ शिंदे जी, आपने यहाँ पर आया, हमारा मान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम के सारे लोग प्लीज, वर्धमान एंड ऋषभ चौकसी प्लीज कम ऑन स्टेज। तो मेन ऑर्गेनाइजर है, वो जाएगा ना अभी फ्रेम में, देखना जाएगी, फोटो बोलना एकदम छिलना हो, फोटो चलो नहीं करे, टेंशन मत ले। मानव मंगलाली जी सुहेल और आशीन सर आइए ना। सर, ये जैकेट जो हमारे शिंदे साहब ने पहना है, ये प्लास्टिक बॉटल के पेट से बनी हुई है, रिसाइकल होकर के ये जैकेट बनी हुई है, जो पिछली कंपनी ने आज एकनाथ शिंदे जी को गिफ्ट की है। तो आप यकीन मानिए कि प्लास्टिक बॉटल को अगर रिसाइकल करें तो उससे क्या क्या चीज बनती है। एक साइज छोटा सर, अभी सर अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत। कुलदीप जी,